खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भीड़ पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। टीका फर्जीवाड़े के पीड़ितों का जल्द टीकाकरण। राज्य में 7,761 नए मामले, 167 की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम और आंदोलनों के जरिए जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की आशंकित तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए इस तरह का कदम उठाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान ठाकरे ने उनके सामने उक्त मांग रखी। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सभी स्थानों पर लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, पर्यटन और खरीदारी के लिए भीड़ जुटा रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक और राजनीतिक कारणों से भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय स्तर पर एक व्यापक नीति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कोरोना की दूसरी लहर और आशंकित तीसरी लहर रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में संक्रमितों की संख्या और मृत संख्या घट रही है, लेकिन इन्हें और कम करने की जरूरत है। दूसरी खबर, बीएमसी ने बम्बई हाईकोर्ट को आज बताया कि मुंबई में फर्जी टीकाकरण के 2000 से अधिक पीड़ितों का टीकाकरण करने के लिए जल्द अलग से एक अभियान चलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बताया कि निजी रूप से आयोजित फर्जी टीका शिविरों में 2053 लोगों के साथ ठगी की गई, जिसमें से 1637 लोगों की जांच की गई। उन्होंने कहा 1637 लोग हमारे पास पहुंचे जिनकी हमने जांच की, उनके कोई दुष्प्रभाव या स्वास्थ्य समस्या नहीं पाई गई। उन्हें टीके की जगह लवण युक्त पानी दिया गया था। तीसरी खबर, महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,761 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 61,97,018 हो गई, जबकि इस महामारी से 167 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,26,727 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 13,452 और लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे ठीक होने वालों की कुल संख्या 59,64,644 हो गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.27% है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।